फन फैक्ट, कैप्टन मार्वल की कास्ट को छोड़ के सब कुछ चेंज हो गया, इनफैक्ट इसका नाम भी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो कल मार्वल की इस साल की रिलीज होने वाली लास्ट मूवी यानी कि द मार्वल्स के ट्रेलर को अनएक्सपेक्टेडली रिलीज कर दिया गया है, जिसको आप बेसिकली कैप्टन मार्वल का पार्ट नंबर 2 बोल सकते हो। तो क्या इसके फर्स्ट पार्ट को इतनी हेट मिलने के बाद लोग इसको सीरियस लेने वाले हैं? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो से। और निक फ्यूरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहला कि निक फ्यूरी जो है वो सीक्रेट इन्वेजन के अंदर बच गए हैं, जो लिटरली सीक्रेट इन्वेजन के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, या फिर ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं ये सीक्रेट इन्वेजन से पहले के हैं। या तो जिस निक फ्यूरी को हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं वो निक फ्यूरी है ही नहीं, वो कोई और वेरियंट है। तो हम लोग देखते हैं कि इस ट्रेलर के अंदर आपको मिस मार्वल के बाद के इवेंट्स को दिखाया गया है, और ब्री लार्सन, इमान वेलानी और साथ में टियोना पेरिस यानी कि कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो आपस में कनेक्टेड है। मतलब इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर एक अपनी पावर का यूज करेगा तो बाकी दो अपनी जगह को स्वैप कर लेंगे, जिसको इस ट्रेलर के अंदर स्वैपिंग या फिर एंटेंगलमेंट कहा गया है। जिसका रीजन इस ट्रेलर के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इस स्वैपिंग के चक्कर में मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी जो है अर्थ के ऊपर मिस मार्वल के घर पहुंच जाते हैं, और ये तीनों के तीनों आपस में मिलकर काम नहीं करना चाहते, बट उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो तीनों के तीनों मिलकर किस तरीके स्वैपिंग के पीछे क्या रीजन है उसका किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इसके साथ में आपको इस मूवी के अंदर मेन विलन लीड रोल के अंदर जेव एमा देखने को मिलने वाली, जो की लॉकी यानी कि टॉम हिडल्सन की रियल लाइफ पार्टनर है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जो आपको 20 नवंबर को देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पार्ट की। तो इसका जो पहला पॉजिटिव पार्ट मेरे को लगा देखो वो होगा इमान वेलानी का कैरेक्टर। मतलब जिस तरीके से आपको वो इस ट्रेलर के अंदर दिख रही है वो डेफिनेटली इस ट्रेलर को एक फन फैक्टर प्रोवाइड कर रही है। मतलब जिस तरीके से वो निक फ्यूरी से बोलती है कि क्या ये कोई एवेंजर लेवल का मिशन है, मतलब आपको एक ऐसा थोड़ा सा कम मैच्योर आपको एक कैरेक्टर मार्वल की मूवी के अंदर चाहिए जो कि आपको फन एलिमेंट दे सके। क्योंकि बाकी के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम मैच्योर और एकदम रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं, एकदम सीरियस लग रहे हैं। और जिस तरीके के एक्सप्रेशंस और जिस तरीके की एक्टिंग करते हुए आपको इमान वेलानी दिख रही है, डेफिनेटली मेरे को उसको देख के मजा आया। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट मेरे को लगा देखो वो होगा जिस तरीके का म्यूजिक यानी कि जिस तरीके का अपबीट म्यूजिक आपको इस ट्रेलर के अंदर सुनने को मिल रहा है, वो डेफिनेटली आपको हाइप करता है। और साथ में अगर इस टाइप की टोन को मूवी के अंदर यूज किया गया, डेफिनेटली मजा आने वाला। और जैसे ही निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो जो है वो इमान वेलानी के घर पहुंचते हैं, उसके बाद जो इस ट्रेलर ने पेस पकड़ी है, डेफिनेटली आप उसको देख के हाइप होने वाले हो। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इस मूवी का स्क्रीन प्ले। क्योंकि फर्स्ट पार्ट को लेके बहुत ज्यादा लोगों ने इसके स्क्रीन प्ले को वेट किया था, मुझे काफी हद तक देख के लग रहा है कि उन लोगों ने इसको यहाँ पे इम्प्रूव किया है। और अगर बात करें इसके VFX के बारे में तो वो निराश नहीं करता है, इसका VFX जो है वो अच्छा लग रहा है, जैसा हम लोगों को आमतौर पर मार्वल की मूवीज में देखने को मिलता है। इसके बाद जो इसका अगला पॉजिटिव पार्ट है देखो वो हो सकता है आप लोगों के लिए पॉजिटिव पार्ट ना हो, बट मेरे लिए होगा, क्योंकि इसका जो नाम चेंज किया गया है वो डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन है। उसका रीजन है कि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे आपको कुल मिला के 3 या 4 सीन के अंदर आपको कैप्टन मार्वल दिखती है, और इस मूवी का पहले नाम होने वाला था कैप्टन मार्वल 2, जो कि मेरे हिसाब से सूट नहीं करता, क्योंकि मूवी का फोकस जो है वो पूरी की पूरी द मार्वल्स की टीम के ऊपर होने वाला है। और अगर आप ध्यान से उन सीन्स को भी देखोगे तो आपको कैप्टन मार्वल जो है मोस्टली पीछे खड़ी होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं इस ट्रेलर के नेगेटिव पार्ट की। देखो इस ट्रेलर को देख के जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा देखो वो होगा इसकी स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी जो वो इजी टू गेस होने वाली है आपको, और किसी को भी देखो ट्रेलर को देख के समझ में आ जाएगा कि ये तीनों के तीनों अभी साथ में काम नहीं कर रहे हैं, बट इनको अगर फाइनल बैटल में जीतना है तो सिर्फ एक ही तरीका कि इनको तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और वो उसको हरा देंगे। तो क्या ये स्टोरी उस लेवल पे डिलीवर कर पाएगी, इस बात को लेकर मेरे को थोड़े से डाउट्स है। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा देखो, अगर आप मार्वल्स की कुछ पिछली मूवीज को देखोगे ध्यान से तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बहुत टाइम से आपको एक ऐसी मार्वल की मूवी देखने को नहीं मिली है जिसके अंदर एक ऐसे लेवल का स्टेक हो कि हाँ यार बहुत खतरा हो। नहीं, लास्ट टाइम जो स्टेक्स हाई लगे थे वो लगे थे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, सेम हाल आपका क्वांटम मेनिया का रहा, सेम हाल आपका ब्लैक पैंथर का रहा। मतलब बहुत टाइम से मार्वल के अंदर वो चीज मिसिंग लग रही है, और खास करके इस ट्रेलर को देख के वैसी कुछ फील मेरे को पर्सनली नहीं आई। तो डेफिनेटली एज अ मार्वल फैन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग विलन और एक स्ट्रॉन्ग मोटिव हो जिसके लिए फैंस लिटरली एक्साइटेड हो सके। तो इन द एंड देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने इस ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी एक फन ओरिएंटेड मूवी होने वाली जिसमें स्टेक्स हाई नहीं होंगे, मूवी आपको बोर नहीं करने वाली, मूवी की स्टोरी मुझे लगता है इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल मैं इस ट्रेलर को रेट करूंगा 3.5/5 स्टार। आप लोगों से इतना बोलूंगा कि अपने होप्स को हाई मत करो, बाकी देखते हैं कि मूवी कैसा परफॉर्म करती है, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10 नवंबर तक का, जब आपको ये मूवी थिएटर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर ऑफ द मार्वल्स। अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर को चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।